दसम पोल जिसका नाम सुनते ही बहुतों का धड़कनें तेज हो जाती है। एंड गेस व्हाट, ये रांची का सबसे बड़ा एंड सबसे सुंदर वाटर पोल है। बट इसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है। एंड इसका 5 अलग व्यू पॉइंट से भी अलग अलग व्यू मिलता है। बट मॉनसून में इसका तेज पानी का बहाव इसे बेहद ही सुंदर एंड उतना ही खतरनाक एक झरना बनाती है। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम रांची का सबसे बड़ा वाटरफॉल दसम पोल में पहुंच गए। यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत सारा जगह अवेलेबल है। आप मेरे पीछे पार्किंग साइड देख सकते हैं। पार्किंग साइड में बहुत सारे फूड स्टॉल हैं और यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ है कि कुछ एंट्री टिकट नहीं लगता है। यहाँ का और एक चीज़ इसे बहुत ही यूनिक बनाता है, वो है रेनबो। अभी हम एक एक करके यहाँ का 5 अलग व्यू पॉइंट से व्यू का मजा लेंगे, देन रेनबो भी देखेंगे। तो ये था कुछ फर्स्ट व्यू पॉइंट से व्यू। वो रहा सेकंड व्यू पॉइंट। अभी हम सेकंड व्यू पॉइंट में जा रहे हैं। लगभग 200 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। उतरने के बाद जो व्यू आता है जस्ट ब्यूटीफुल। व्यू देखिए। फाइनली मैं दसम फॉल का हार्ड बालकनी पे खड़ा हूँ। सीजन में यहाँ पे भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, बट हर दिन झरने के सामने तक जाने की परमिशन नहीं दिया जाता है। नीचे एक गेट है जिसे बंद ही रखा जाता है। तो चलिए नीचे चल के जानकारी लेते हैं गेट वीकेंड में किस दिन बंद रहता है और दिन की कौन सा समय खुला रहता है। बातों बातों में हम एक और व्यू पॉइंट में चला आए हैं। वाओ, क्या नजारा है। क्यों ना कुछ देर यहाँ पे रुका जाए और इस लम्हों को थोड़ा फील किया जाए। इस पल को मैं कभी भुला नहीं सकता क्योंकि इसके लिए ही तो हम ट्रैवलर ट्रैवल करते हैं। और हाँ, यहीं से मुझे रेनबो भी दिखा। आइए दिखाते हैं। अब बहुत सा लोगों का क्वेरी आता है कि दसम फॉल कब आना सही होगा। एज यूजुअल झरना का असली रूप देखना है। मॉनसून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट वाटरफॉल। फिर भी जून एंड सितंबर महीने के अंदर में कभी भी आप आ सकते हो। बाकी साल का हर दिन ये खुला रहता है। आप अपना हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। पिकनिक सीजन में भी आप प्लानिंग कर सकते हो। तो चलिए और भी कुछ व्यू देख लेते हैं। वीडियो करते करते बहुत तेज बारिश आ गए। अभी हम इसके नीचे आ रहे हैं। रात्रि का मौसम ऐसा ही होता है, कभी बारिश कभी धूप निकलता है। ऐसे हमें नीचे भी उतरना है। प्लीज स्ट्रिक्टली मेंटेन सेफ्टी रूल। मैं सबको एक बार वार्न करना चाहूँगा। उस साइड से भी झरने के ऊपर तक जाने का एक रास्ता है। अगर नहीं जा पाए तो ड्रोन शॉट से कुछ अच्छा व्यू लेने का कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया और वीडियो से मिला इंफॉर्मेशन अगर आपका काम का हुआ तो जाते जाते वीडियो को एक तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे और भी वीडियो बनाने में। सो गुड बाय ऑल माय फ्रेंड्स।